अनु जी, आपने कहा कि प्यासी निगाहें करनी पड़ा खरा आपने 80s या पता नहीं किस में, आपकी निगाहों के बारे में थोड़ा बताइए, कितनी प्यासी रही उस समय और क्या क्या कुछ करना पड़ा? आपने कहा बहुत कुछ करना पड़ा, क्या क्या था? अब मैडम वो तो एक पूरा लंबा पूरा ही आपका सेशन ही ख़त्म हो जाएगा, जाहिर है 5 दिन का काम था, 9 दिन में हो गया, तो अब बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन गरीब को करना पड़ता है, ये तो स्टार हैं, हम तो जूनियर आर्टिस्ट की तरह आए थे, और बहुत कुछ करना पड़ा मैडम, बहुत 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 बहुत। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा डायरेक्टर जो है ट्रॉली शॉट लगाता था, और ट्रॉली शॉट चलते चलते कभी कभी डायरेक्टर होते ना खुद कॉमेंट्री देते हैं, सो वो कहता था कि वहाँ पर लड़की है, यहाँ पर तुसी हो, ते अपना ट्रॉली ऐ ट्रॉली लगाई है मैंने, ते ट्रॉली ट्रॉली चुम्मी 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 होल्ड ते चार्ज करो एथे बस ते जाके। करना पड़ता है जी, करना पड़ता है। नसीर सर, आपसे यहाँ पे सवाल है सीधा आपके सामने। अनु जी ने तो अपने धर्म संकट के बारे में बताया कि कैसे उनकी फिल्में, उन्हें कई सारी फिल्में ऐसी करनी पड़ी जो धर्म संकट में फंस गए। मैडम कई सारी नहीं, एक को ही किया। अच्छा, मत करो भाई। अच्छा, एक फिल्म आपने बताया जैसे। नसीर सर, आपसे जानना चाहेंगे, कभी आप भी ऐसे धर्म संकट में फंसे हो जहाँ आपकी मजबूरी बन गई हो, इच्छा नहीं वो फिल्म करने की? नहीं, कभी नहीं। मैं जो भी मैंने फिल्म की है अपनी मर्जी से की है, और ये सोच के की है कि कुछ मजा आएगा। अक्सर 2 दिन में ही पता चल जाता है कि कितना मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन धर्म संकट में कभी भी नहीं रहा कि ये फिल्म करूं या ना करूं। और माशाल्लाह काफ़ी सारी बुरी फिल्में मैंने भी की हैं उनकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है। उन बुरी फिल्मों का चुनने का कोई रीज़न? जैसे हमने कई सारी फिल्में देखी हैं जो आपने बेहतरीन फिल्में भी की हैं, तो कुछ ऐसी फिल्में भी की हैं हमें लगता है कि नसीर सर ने ऐसी फिल्में क्यों की? हाँ, अब मुझे लगता है कि वो ये जो दूसरी टाइप की फिल्में जो आप मेंशन कर रही हैं वही आपने देखी होंगी क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप डर्टी पिक्चर जैसी फिल्में मत किया कीजिए, तो मैं कहता हूँ आपने देखी डर्टी पिक्चर? हाँ देखी ना, 3 बार देखी। बाय द मिनट, जस्ट वेट टिल दिस इंटरव्यू इज ओवर। परेश जी, आपसे भी एक सवाल है। ओ माय गॉड जब आई थी तो लोगों का नज़रिया पूरी तरह से फिल्म ने बदल दिया था धर्म को लेकर, उसके बाद फिर पीके आई, उसने भी नज़रिया बदला, अब ये फिल्म जो है वो किस तरह से नज़रिया बदलेगी, और लगता है कि पूरी तरह से लोग चेंज हो जाएंगे जो धर्म को लेकर कई सारी बातें करते हैं? मुझे नहीं लगता कि फिल्मों की वजह से समाज के अंदर कोई इतना मैसिव चेंज आता है, लेकिन ऑफकोर्स लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सोचे लोग कि, क्योंकि मुझे पीके के अंदर एक बड़ा अच्छा सीन लगा था कि थप्पा कहाँ है, जब वो बच्चों के वार्ड में जाके कहता कि थप्पा कहाँ है, तो बड़ा बेहतरीन सीन है, दैट सेज एवरीथिंग, दैट सेज एवरीथिंग। परेश जी, मेरा सवाल आपसे है कि ज़्यादातर देखा जाए धर्म के ऊपर जब भी कोई फिल्में बनती है तो देखा जाता है कि कई बार कई लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो इरादा ही है कि सेंटीमेंट्स को हम हर्ट करने निकले नहीं हैं, आपको आईना दिखाने निकले हैं, मिरर दिखाने निकले कि समाज के अंदर जो हो रहा है, फिल्मों की वजह से समाज में असर नहीं होता, समाज में जो चल रहा है वो फिल्मों में ज़रूर आता है, वो होता है, लेकिन हम मिरर दिखा रहे हैं, इसकी वजह से किसी को विचलित होने की या व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ ना कुछ तो चल रहा है हमारे समाज के अंदर, हम सब जानते हैं, तो जितना अच्छा हो जाए उतना बेहतर है, और कुछ नहीं। परेश जी, आपने अपने फिल्मों में अभिनय के जरिए आपने कई धर्म गुरु हो गए या फिर बाबा हो गए, उनकी असलियत को दिखाने की आपने काफ़ी कोशिश की है, कभी आपको कभी किसी से कॉल आया, कहीं आश्रम से या किसी बाबा से आपको कॉल आया कि आप क्या कर रहे हैं ऐसा कुछ? नहीं जी, किसी का कॉल आया नहीं है, सब लोग यही कहते कि उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए उन लोग माने पता नहीं कौन है, फिक्टिशियस लोग कौन है, सबसे पूछो कि उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए, तो ये जो है वो उन लोगों का कॉल अभी तक आया नहीं है। अजीत जी, माय क्वेश्चन इज फॉर यू, आई एम योर, हाय, व्हाट मेक्स यू प्रोड्यूस सच अनकन्वेंशनल फिल्म्स लाइक भाग मिल्खा भाग और फॉर दैट मैटर क्वीन, एंड नाउ वी हैव धर्म संकट में, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू सी इन द स्क्रिप्ट और द स्टोरी ऑफ द फिल्म दैट मेक्स यू डिसाइड दैट या आई विल प्रोड्यूस दिस फिल्म? सी, वी आर इन द business of cinema, so we are in search of commerce
if you do a certain kind of films, I don't think you will find commerce in them. You might find a lot of loud noise, you might find a lot of, you know, fame, you might get noticed more, but I think if you have to find commerce, you have to find films which will have a value far higher than what they are, you know, on paper. And I think that's one reason, clearly. So if you have to be successful in this business, you have to be doing something different. So I think that is the first thing, innovation. B, I think that's been the very strategy, you know, for Viacom 18 from the very beginning, which is why our very first film, you look at Tanu Ved's Manu till the last film. We've been doing that. I think the other thing is we are also mirroring the change in the society, you know, with multiplexes. I think there is a lot of audience which has now come about, which appreciates content and good films and not necessarily only, you know, star power. So I think that's something which excites us and motivates us to find subjects, to find, you know, talented new people who will bring things to us and give us a new direction. And I think cinema has to do something new. You know, I think as a creative medium, the responsibility of cinema is really to do something new, something exciting. And I think that if it is working well commercially, I think nothing better than that for the industry. Ajit, aapke left here. Aapke left diagonally. अच्छा अजीत, ऐसी जो फिल्में होती हैं ये रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कितनी वायबल होती हैं? आई थिंक मैंने भी वही कहा कि ये फिल्में बहुत वायबल होती हैं क्योंकि ये अपने वेट से बहुत ज़्यादा ऊपर पंच करती हैं. तो ये फिल्में सीधे देखने वालों से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं और इनको बनाने में जिस तरह की हम बात करते हैं कि भाई अगर आप कॉस्ट की बात करें तो हम बहुत सारी जो दूसरी चीज़ों से जूझते हैं बड़ी फिल्में बनाने में वो हम यहाँ नहीं जूझते हैं. तो इसलिए आई थिंक ये इक्वेशन जो है इट वर्क्स मच बेटर. एंड आई थिंक एज आई सेड कॉमर्स अपार्ट आई थिंक द ऑडियंस इज ऑल्सो यू नो लुकिंग फॉर न्यू स्टफ. द ऑडियंस इज चेंजिंग एंड आई थिंक वी नीड टू रिस्पॉन्ड एंड स्टे अहेड ऑफ दैट कर्व एंड दैट्स वाई सच फिल्म्स यू नो. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन ट्रिग्नोमीडिया यू नो आई मैंशन फुआद बट आई थिंक ट्रिग्नोमीडिया ऑल्सो उन लोगों के लिए भी ये डेब्यू फिल्म है. तो एक चीज़ जो हम करते हैं नए लोगों में हम लोग नए टैलेंट में नई कहानियाँ ढूंढते हैं और जब नए लोग नया सुर लेके आते हैं तो कोई नया गीत बनता है और उसमें शायद फिर हम लोग अपनी सक्सेस ढूंढते हैं. सो दैट्स व्हाट वी लुक टू डू. और हाय अनु सर, आपसे एक सवाल था कि जो स्टार पावर है मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रूल करती रही है तो वो स्टार कल्चर आप लोग कितना मतलब देख रहे हैं कि वो कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है या स्टिल अभी वो रूल करेगा स्टार पावर? हाँ मतलब आप तीनों के व्यूज चाहूँगा मैं तो. भाई स्टार तो दोनों हैं, हम तो जूनियर आर्टिस्ट हैं सो कॉल्ड स्टार्स.